हेलो बालको, हम फिर से आ चुके हैं आपके नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए। बच्चों, आज जैसे कि मैंने नाइन्थ क्लास में पहले हिंदी साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में बात कर लिया था, थोड़ी थोड़ी बातें की थी रचनाओं पर। अब रचनाओं पर हम जब भी चर्चा करेंगे तो विशेष करके एक बार कर लेंगे, उसमें सारी रचनाएं हम उल्लेखित करवा लेंगे बच्चों ना बच्चों। और आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए बालको वाली क्लास में, उसमें सारे नोट्स हम लोग वो कर देंगे, ठीक है बच्चों। पहली बात तो आज जान लो कि आज हम पढ़ाने क्या आए हैं। आज हम बच्चों के लिए ऐसा चैप्टर लाए हैं जिसके लिए आप बहुत ही उत्साहित होंगे, वो है बाघ चैप्टर, जो प्रताप नारायण मिश्र का बहुत सुंदर निबंध कहा जाता है। हैं, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि हैं, लेखक हैं बच्चा? किस युग के प्रसिद्ध लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र? भारतेंदु युग के ना बच्चा। चलिए हम बात करते हैं बाघ चैप्टर पे। बच्चों, बात चैप्टर क्या है, आखिर लेखक ने बात ही नाम क्यों रखा, यही आप संशय सोच रहे होंगे कि बात का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, बातों का एक अपना अस्तित्व होता है, हैं, और एक अपनी अहमियत भी कहा जाए तो हो सकती है, हैं। अब बेटा देखो, मैं बेटा एक तरीके से बात का महत्व बताऊंगा कि बात का क्या लेखक कहना चाह रहा था ना बच्चों। अब पूरा गद्यांश हम पढ़ पढ़कर तो नहीं बता सकते हैं, हैं, वो तो ऑफलाइन में ही हो सकता है अच्छे तरीके से, मगर बच्चों ये जरूर हम बताएंगे कि बात में है क्या। अगर आप मेरे सारांश को समझ गए, तुम लोग बात चैप्टर समझ गए, इतना क्लियर कर लीजिए, एक बार जब पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा ना। और सारे नोट्स हम वो कर ही देंगे, उसमें ना परेशान हो, उसमें टेलीग्राम में जुड़ जाओगे, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए हम बात पर चर्चा करते हैं। बच्चों बात क्या है, मान लीजिए लेखक ने बहुत सारी बातें, भाई देखो बात तो हम कई तरीके करते हैं, हैं, कड़वी बात, मीठी बात, सच्ची बात, झूठी बात, है तरह तरह की, मीठी बात तो सच बात, ये सारी बातें ही तो हैं। और जीवन में आज अगर हम देखते हैं वर्तमान को परिदृश्य में देखें अगर, तो बात का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। मतलब बात का अस्तित्व क्या, कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ बात करते हैं, ठीक है ठीक है, कल हम बात कर लेंगे, और बात करें ना, तो मतलब क्या है, हम लोग बात के अस्तित्व को समझते ही नहीं कि बात, मतलब एक समय ऐसा था कि बात को हम लोग वैल्यू देते थे कि नहीं नहीं उसकी बात है, वो सही बात बता रहा है, हैं? कहने का मतलब, अरे बातें ही तो हैं जिनसे हम प्रेरित होते हैं बच्चों, हैं? और आज के समय हम बात का महत्व ही नहीं देते हैं किसी, हैं? अगर कोई कहता है कि इतने बजे आना है, कि समय है, इतने बजे कॉलेज जाना है, ये सारी समय है, नहीं हम कॉलेज भी लेट जाने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी बातों को सही तरीके से क्या करते हैं, अपने जीवन में उतारते ही नहीं है। बेटा बात का एक अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। बेटा हम बड़े लोगों की, हैं, जैसे महान पुरुषों की बातों को हम क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, उनको अपने मस्तिष्क और चरित्र में उतारते हैं, तभी तो हम उनकी जगह सोच पाते हैं, हैं। जरूरी क्या है कि हम अपने से बड़ों की अच्छी बातों को ग्रहण करें। अब अच्छी बातें हम लोग ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब क्या, जब अच्छी बातें हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम अच्छे कैसे बन सकते हैं, बन ही नहीं पाएंगे, हैं? तो बात का अपना एक इतिहास होता है बच्चा, इतना समझ लीजिए। कोई भी बात हो अगर, हैं, अगर हम प्रेरणा पाते हैं, अगर हम प्रेरणा की बात करते हैं, तो बेटा प्रेरणा भी है तो हम बातों से ही पाते हैं। अगर बात का अपना जीवन में एक अस्तित्व या महत्व ना होता तो हम बात करने क्या उचित है, बिना बातों के हम कुछ भी जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। अरे यार बातों को जानो, हैं, देव बात को समझो, हैं, राज बात को समझते रहो, प्रकाश तो समझेंगे नहीं क्योंकि वो बातें ही नहीं करते। अरे बात का अपने जीवन में एक है, अगर भूगोल करता है तो वो भूगोल की बातें करता है, अगर साइंस का विद्यार्थी तो साइंस की बातें करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की विशेष बातें करता है, तभी तो हम प्रेरित होते हैं उससे कि नहीं वो बात सही कहता है, झूठी बात। अब झूठी बात क्या होती है, मान लीजिए हम किसी से झूठ बोल दें, अब भरोसा आप करिए या ना करिए, अब झूठ बोल रहे हैं तो आप एक बार संशय होगा कि नहीं ये सही तो नहीं हो सकता, इस बात को हम पता करेंगे पहले कि ये सही है कि नहीं। तो देखो आपने बात का महत्व रखा, उसकी बात को महत्व रखा, क्यों रखा, क्योंकि आपको उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, शायद वो लग रहा था झूठ बोल रहा था, तुमने कहा मैं उससे खुद पूछ लूंगा ये बात क्या तुमने कही है, देखो महत्व दिया उस बात का। बल्कि बात का महत्व नकारात्मक है सकारात्मक, वो हमारे मायने हमारी सोच पर निर्भर करता है, है? कि हम किसको ध्यान करते, इसीलिए कहते हैं सुनी हुई बातों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए जितना हम अपने खुद कानों से सुन ले वो सही है। कहने का मतलब है बात, भाई प्रताप नारायण मिश्र हैं, जाने माने नाटककार कहलाते हैं, हैं? उन्होंने अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। अब एक लेखक ने बात को उठाया तो मतलब आज के परिदृश्य में अगर देखे वर्तमान समय में, आज के समय में आधे ज्यादा बातें तो लोग झूठी बोलना करते हैं, हैं? बात का कोई महत्व नहीं, मतलब कोई वही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं रखा मैंने बात का एक तरीके से, हैं?
अगर मुझसे कोई बड़ा व्यक्ति एक बार कह रहा है, अगर आज्ञा दे रहा है ये कार्य कर दो, अगर वो बात कह रहा है कि ये बात मेरी मानो, अगर उसकी बात ना माने तो लो उसकी बात का हमने महत्व दिया ही नहीं। कहने का मतलब हम एक बात को समझें, अगर किसी बड़े ने कहा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, कोई बात कह रहा है उसकी बात को सुनो, समझो, पता नहीं उसके बात से क्या हमारा लाभ है? है एक अच्छी बात बेटा कभी भी क्या करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। एक तरीके से देखा जाए एक अच्छी बात कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती आपको, और बात के महत्व को हम समझ ही नहीं सकते हैं। बेटा वास्तविक मतलब जानो बात चैप्टर का, किताब का रटा रटा है मत समझो, किताब में जो लेखक ने लिखा है उसका भावार्थ समझने की बहुत जरूरत है। किताब के हम लाइने तो पढ़ लेते हैं, क्या उसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझ पाते बच्चों, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि उसके बात के मतलब को समझो बेटा, कि हम बात को कहाँ कहाँ महत्व देते हैं, कहाँ कहाँ नहीं महत्व देते हैं। अगर हमको लाइन टू लाइन पढ़ाना, किताब खोलना हो लाइन टू लाइन बता दे, मगर आपको समझ में ना आए तो मतलब ही क्या पढ़ाने का। कहने का मतलब ये है मेरा बच्चों कि बात के महत्व को समझो कि बात क्या है। लेकिन ने बात चैप्टर जो रखा है तो क्यों रखा है, है? अगर बात हम करते हैं तो बेटा बहुत सारी प्रकार की बातें करते हैं, है? सच्ची मीठी कड़वी बातें, अलग अलग तरीके से बातें करते हैं ना बच्चों हम। अब कहने का मतलब लेखक इसी बात को बार बार उघाड़ता है कि समाज में बातों का क्या अस्तित्व है आज के समय में। अगर हम समाज के अस्तित्व को समझना चाहेंगे तो बात, और बातों को हम अपनी भाषा के माध्यम से बातों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं भाई, अपने भाव विचारों को रखते हैं, है? भाषा यही साधन है हमारा, कि भाषा के वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब समझ लीजिए, अब भाषा है तो बातें हैं, है? तो बात को समझो बच्चों आप लोग, कि आप किसी बड़े की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। अगर कोई मुझे समझाए, अच्छी अच्छी बातें समझाए तो क्या है, अब भाई हम महापुरुषों के पढ़ते तो अच्छी अच्छी बातें क्यों पढ़ लेते हैं तुरंत, क्यों उनको अपने चर्च में उतार लेते हैं कि यार देखो उसने ये कहा, यार महात्मा गांधी ने ये बात कही, APJ अब्दुल कलाम जी ने ये शब्द कहे, हैं? तो क्यों उनकी बातों को हम फॉलो कर लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सार्थक होंगी, कहीं ना कहीं मेरे लक्ष्य को बहुत उत्साहित करेंगी। अब यही तो जरूरत है, बात चैप्टर के माध्यम से यही दर्शाया जा रहा है कि बात को कहाँ महत्व देना और कौन सी बात को महत्व देना है। कुछ बातें तो महत्वहीन होती हैं, अरे इन सब बातें छोड़ो, जैसे कि फर्जी, हैं? ईर्ष्या वाली बातें करना, चुगली करना, ये क्या है, ये सब फर्जी बातें हैं, इनसे कोई जीवन में इनसे नुकसान ही है, इनसे नुकसान ही है इन बातों से। अरे अच्छी बातों को अपने चरित्र में उतारो बच्चों, एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य निभाओ, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाओ। यही तो लेखक प्रताप नायक मिश्र इतना सुंदर निबंध इन्होंने लिखा है, बात क्या कहें, ऐसा लगता है साथ साथ उन्होंने सच्चाई को उभार दिया, इतना प्यारा निबंध है, मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, इसीलिए तो समझा पा रहा हूँ अच्छे से। अगर मैं भाई लेखक किसी चैप्टर को लिखा गया है तो उसका कोई महत्व बहुत बड़ा होता है, इस निबंध को आप पढ़ेंगे जरूर बच्चा। मेरी सिर्फ मैंने तो सिर्फ एक उसका वो बता रहा हूँ भावार्थ, कितना सुंदर उसका भाव है, भाव समझो उसका, मैं भाव बता रहा हूँ आपको, बाकी कहानी तो आपको चैप्टर में पढ़ने से ही पता चलेगी कि मैंने क्या समझाया है, हैं? एक मैं मोटी मोटी बातें समझा दे रहा हूँ कि बात के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का और क्या समाज को दिखाने का प्रयत्न किया है, वो समझने की बहुत आवश्यकता है, हैं? अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी कैसे हो सकते हैं? भाई पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई है, आप पुस्तक को बहुत सुंदर विचारों से पढ़िए, बहुत अच्छे मन से पढ़िए बच्चा, तब आप समझ जाएंगे, हैं? आखिर कोई चैप्टर है, आप कहते बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें समझ में नहीं आता, अरे समझ में आ बेटा, कोई भी चीज़ ऐसे थोड़ी आपको अच्छी लगी, रुचिकर बनानी पड़ती चीज़ को, कि हाँ इस चीज़ को हम बहुत रुचिकर होकर पढ़ेंगे, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आप अच्छे एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। और लोगों को लगता है कि बात ये अरे ऐसे निबंध है इसको ना पढ़ो, ऐसे व्याख्या कर लेना। बेटा अगर व्याख्या करने के लिए होता तो मैं व्याख्या पहले ही करा देता, वो तो हम बता ही देंगे व्याख्या कौन सी आनी है कौन सी नहीं आनी है, ये इंपॉर्टेंस है ये इंपॉर्टेंस, मगर बच्चों चैप्टर का मतलब समझाओगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी मौलिकता के रूप में बात चैप्टर को अच्छे से समझा पाएंगे। बेटा जितनी सुंदर हम अपनी मौलिकता को लिख सकते हैं उतना सुंदर हम बेटा कहाँ लिख पाएंगे, है? कि क्वेश्चन बैंक से तो लेने पड़ी याद होगी, इस बार रट लिया लिख दिया, आपको दिखाओ कि बात का लेखक क्या दर्शाना चाहता है, हैं? इसीलिए मैं सब बच्चों से कह रहा हूं पुस्तक जरूर पढ़ा करिए, पुस्तक पढ़ने से ही ज्ञान अर्जन होगा बच्चों, हैं? कहने का मतलब यही भाव है बेटा कि हम बात चैप्टर को कितने सुंदर रूप से समझते हैं। अगर हम बातों का महत्व नहीं देंगे तो हम फिर समझ क्या पाएंगे, कुछ भी तो नहीं समझ पाएंगे बच्चों। इसलिए कहता हूँ बात को समझो पहले, कि बात क्या महत्व क्या लेखक ने दर्शाया है, तभी हम समझ पाएंगे कि बात है कितनी प्यारी, कितनी अच्छी बात कही है, प्यारी बात, कड़वी बात, सच्ची बात है, तरह तरह की बातें तो पढ़ते हैं, उसकी बात मुझे पसंद नहीं आती है, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं यार वो सही नहीं बोलता है यार,
उसकी बात बहुत बेकार लगती है मुझे। क्यों आप उसकी बातों से रुझान क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो उसकी बातें ही नहीं अच्छी हैं। अगर एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सुनते हैं, कभी कभी हम लोग जब बहुत अच्छी बातों को सुनते हैं तो कहते हैं वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके पास बैठने की इच्छा करती मेरी क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें बताता है। क्यों प्रेरित है आप उससे? आप क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि उसकी बातों में बहुत सच्चाई छिपी हुई है। बेटा बातों में वे रहस्य छिपे होते हैं जिनको हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बेटा बात ही है जो मनुष्य को ऊंचा और नीचा कर देती है। बच्चा है, एक शब्द बोलने से क्या होता है? व्यवहार बन जाता है। एक शब्द कड़वा बोलने से क्या हो जाता है? चार क्या हो जाते हैं? दुश्मन खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वो अच्छा नहीं, वो बात करने की उसको अकल नहीं है। कहने का मतलब यही है ना, एक मीठी वाणी बोलते हैं तो लोग कहते हैं बहुत मधुर आप बोलते हैं, है? आपकी बातें कितनी सुंदर मुझे लगती हैं। और एक कड़वा बोलने वाला हो, सदा बेकार बातें करने वाला, यार इसकी बातें बहुत बुरा हमको खराब लगती हैं, है? सही नहीं बोल पाता है, इसकी बातों में पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन से बातें को ग्रहण कर देता है। इसीलिए कहते हैं अच्छी बुरी बातें दोनों तरह की होती हैं, मगर मनुष्य कौन सी बात को अपने अंदर स्वीकार कर रहा है ये मायने रखता है। जिसके गुण अवगुण है दोनों ही शब्द, अब हम कौन सा स्वीकार कर रहे हैं कौन सा नहीं। अब अवगुण को स्वीकार करेंगे तो सारी बुराइयां आती चली जाएंगी, सब अवगुण भर जाएंगे। गुण को अगर स्वीकार करेंगे तो सारे अच्छे विचार तो आ जाएंगे। इसी तरीके कर रहे हैं, एक कड़वी बात है एक मीठी बात है, तो कहने का मतलब ही है कि आप मीठी बात को अपनाइए। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा हमसे सब लोग बोलेंगे। कहते नहीं व्यवहार एक समाज के दर्पण होता है, आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा आपको दिखाई देने लगता है समाज में चारों तरफ से। तो यही है कि आपकी बातों का कहीं ना कहीं बहुत महत्व होता है। आप सोचते हैं मेरी बातों का कोई महत्व नहीं, बहुत महत्व है बच्चा। आप एक शब्द तो बोलिए, हैं, एक बात आप कहिए, एक बात से आप दुनिया पर राज भी कर सकते। कहते क्या है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं एक बात से। कहते उसकी बातें कितनी अच्छी हैं। बेटा बातें ना होती तो कुछ हो आज समाज कुछ और होता। ये बातों का ही अस्तित्व है कि हर किसी, हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो उनके किस लिए? क्योंकि उनकी बातों से हम सम्मान करते हैं, आज्ञा मानते हैं। इसीलिए कहते हैं बातों का बहुत महत्व होता है बेटा। बेटा समाज में एक बात ही है जो सब कुछ कराती है। बात के माध्यम से हम अपनी सारी भावनाओं को रख सकते हैं, बात के माध्यम से हम सबको समझा सकते हैं। तो यही तो बात है, हैं, हम और कुछ नहीं समझा रहे, हम बात ही समझा रहे हैं। बल्कि कहने का मतलब है कि बात को बहुत प्यार रूप से समझो यार, हैं? देव हमारे को नहीं तुम समझ रहे होगे मेरी बातों को, ऐसे थोड़ी होता है कि समझेंगे नहीं। अरे चैप्टर पढ़िए तब ऑटोमेटिक सब खेल है, खेल एक तरीके से कहा जाए, हैं? बस माँ सरस्वती का नाम लीजिए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, ऑटोमेटिक माँ सरस्वती माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, कहेंगी कितना अच्छे से विद्या को ग्रहण कर रहा है। विद्यार्थी का मतलब ही होता है विद्या को सही अर्थों में धारण करने वाला, है? तो ये बात चैप्टर का मैंने आज सारांश बताया है। बच्चों आप लोग पढ़िएगा, अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देव राज प्रकाश, हैं, सब लोग पढ़ो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसका शेयर करो, हैं? कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर बात चैप्टर नहीं समझ में आया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसको दोबारा पुनः आकर कोशिश करूंगा। अगर आपको लगा है कि समझ में आ गया है तो आप लोग तो भी कमेंट में बता ही देंगे सर कैसा चैप्टर लगा, है? अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, नेक्स्ट कभी वीडियो बना दूंगा तो तुमको अच्छे समझा दूंगा। बाकी व्याख्या व्याख्या के लिए मैं सारी चीजें तुम्हारे नोट से वो करवा दूंगा बिल्कुल, ठीक है? मगर बालकों वाली क्लास टेलीग्राम पे जुड़िए बेटा इसके लिए, है? और बच्चों ये बात समझ लो एक तरीके से, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है, ठीक है? और मगर कर्म अच्छे हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर बच्चा मिलेगी। इसके लिए आप कोशिश करिए, हैं? हिंदी को ये मत समझिए कि हिंदी एक बहुत बोरिंग विषय है। नहीं बच्चा, हिंदी बहुत है बेटा। जो साहित्य जो आनंद देता है वो किसी और चीज़ में आनंद उतना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य बहुत मधुर होता है। इसलिए अगर मेरा चैप्टर बहुत अच्छा लगे बच्चों कमेंट करिए, ठीक है बेटा? जय हिंद।